हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम चिंतनशील शिक्षा का लेसन नंबर 1 का पार्ट 3। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वीडियो में से लेसन नंबर 1 के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें एक नया टॉपिक है आपका सीखना एवं विचारात्मक चिंतन। तो देखो, विचारात्मक चिंतन अन्य प्रकार के चिंतन से कैसे अलग है, जॉन डीवी ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी। और जॉन डीवी जो 1993 के अनुसार उन्होंने बताया, जॉन डीवी जिनका जन्म 1993 में हुआ, उन्होंने क्या बोला है, विचारात्मक चिंतन किसी भी विश्वास या ज्ञान के कथित रूप का एक सक्रिय, निरंतर और सावधानी पूर्वक चिंतन है। उन्होंने क्या बोला है कि जो विचारात्मक चिंतन है वो कोई भी अगर विश्वास है, किसी भी चीज़ का ज्ञान है, वो जो कहा गया है और वो सक्रिय रूप से और निरंतर और सावधानी पूर्वक उसके ऊपर जो चिंतन है वही क्या कहलाता है, विचारात्मक चिंतन, जो आगे के निष्कर्ष के लिए इसका समर्थन करता है। विचारात्मक चिंतन मूल रूप से एक नया दृष्टिकोण विकसित करने और प्रश्नात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक है। ये संज्ञानात्मक, भावनात्मक, नैतिक रूप से कई अलग अलग पहलुओं में एक व्यक्ति के विकास में मदद करता है। तो जो विचारात्मक चिंतन है वो चाहे संज्ञानात्मक विकास की बात करें, भावनात्मक विकास की बात करें, नैतिक रूप से बात करें, तो हर जगह पर अलग अलग पहलुओं में एक व्यक्ति के विकास में मदद करता है। विचारात्मक चिंतन जो है वो मूल्यों और विश्वासों पर प्रश्न करके जो पूर्वाग्रह और मान्यताओं को पहचानने और उनको चुनौती देने, उनमें सुधार करने के द्वारा किसी व्यक्ति के गुण और दोषों को निर्धारित करने में मदद करता है। वहीं विचारात्मक चिंतन आत्म जागरूकता है। लोग अपने और अपने अनुभवों के बारे में चिंतन करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में सुधार भी करते हैं। लोग अक्सर अपने अनुभव लिखने और उनके अर्थ निकालने के लिए वो डायरी या जर्नल रखते हैं अपने पास। तो सीखने पर विचारात्मक चिंतन करने के लाभ क्या है? तो देखो, विचारात्मक चिंतन से शिक्षार्थी को नए ज्ञान को उसकी पूर्व समझ के साथ जोड़ने में मदद मिलती है। यह उसको अपनी सोच और सीखने की रणनीतियों को समझने में मदद करता है, जिसे वह नए कार्य करते हुए लागू कर सकता है। अब इसमें वो कौन कौन से लाभ हैं वो देखिए। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है, देखना है कि आपने क्या सीखा और कैसे सीखा। पहला इसका लाभ ये है विचारात्मक चिंतन का, कि यह देखना होता है इसका मतलब कि आपने क्या सीखा और कैसे सीखा। यह समझना है कि समय के साथ साथ आपकी सोच कैसे बढ़ती और विकसित होती है। आपने कोई काम किया, जैसे आप पहले क्या होता था, पहले आप बहुत लोकल ब्रांड के कपड़े पहन लेते थे या लोकल ब्रांड के शूज़ पहन लेते थे। धीरे धीरे जैसे आपने, आपकी सोच बदलती गई, आपने थोड़ा सा और जो है क्या कहते हैं, अच्छे लेवल पे आपने जो है चीज़ों को खरीदना स्टार्ट किया। हमारे पूर्व ज्ञान को और जो हम वर्तमान में सीख रहे हैं उनके बीच में संबंध बनाने में सहायता करता है। ये गलतियों से सीखने में मदद करता है, जिससे ये पता चल सके कि अगली बार हम चीज़ों को कैसे अलग तरीके से करेंगे, है ना। और आपको भविष्य में विचारात्मक चिंतन करने वाले विचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें देखो क्या बताया गया, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, भविष्य में विचारात्मक चिंतन, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 4999, यानी कि 4999 जो लिखा हुआ है, फेल कहने का मतलब है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब बल्ब बनाया था, थॉमसन एल्बर्ट एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो 4999 बार फेल हुए और लास्ट बार उन्होंने बल्ब बनाया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि विचारात्मक चिंतन करने वाले विचारक बनाने, ये गलतियों से ये पता चलता है कि देखो उन्होंने 4999 बार गलती की है, तो उन्हें ये पता चल गया कि इतनी बार ये काम इन्होंने किया है, इससे बल्ब नहीं बनेगा। तो कोई और बनाएगा बल्ब तो ये तुरंत क्या करेंगे, ये बता सकते हैं कि जी इस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा। तो इसका मतलब उन्होंने सीखा इतनी बार नई नई चीज़ों को, है ना। तो किसी व्यक्ति की ताकत और कमजोरी की पहचान करने के लिए विचारात्मक चिंतन और उत्कृष्ट उपकरण जरूरी है। यह सृजनात्मक कौशल को विकसित करने में भी सहायता करता है। एक विचारात्मक शिक्षक शिक्षार्थी होने के नाते आप सीखे हुए को जानने के लिए पीछे मुड़कर देख सकते हैं और अनुभव का विश्लेषण करके भविष्य में प्रदर्शन में सुधार करके सृजनात्मक चिंतन कौशल विकसित करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब इसमें चार चरण दिखाए गए हैं, कौन कौन से हैं, विवरण, भावनाएं, मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष और कार्य योजना, ये 6 चरण दिखाए गए हैं। फिर 4 चरण यहाँ पर हैं, ठोस अनुभव, विचारात्मक अवलोकन, अमूर्त संकल्पना और सक्रिय प्रयोग। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विवरण, इसमें क्या हुआ, कब हुआ और इसका क्या परिणाम था और क्या विवरण था। डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो गिब्स के विचारात्मक चिंतन का चक्र दिया गया है। भावनाएं, यहाँ पर अनुभव के बारे में आपकी अपनी भावनाओं और विचारों की चर्चा की जाती है। इवोल्यूशन, अनुभव कैसा रहा, सकारात्मक नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें, भले ही चाहे एक पक्ष अधिक हो। विश्लेषण, एनालाइज, यहाँ पर आप समझ विकसित करने के लिए सिद्धांत और व्यापक संदर्भ का उपयोग करते हुए समझते हैं कि क्या हुआ। लास्ट आता है कंक्लूजन, आपने क्या सीखा, अब आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या आप इसको कुछ और बेहतर तरीके से कर सकते थे या कर सकते हैं उसके बारे में। एक्शन प्लान क्या होगा, कार्य योजना उन सब के बारे में है जो आपको अगली बार के लिए चीज़ों को जानने सुधारने के लिए आवश्यक है।
ऐसे विचारात्मक चिंतन विकसित करने में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक को शिक्षार्थियों को विचारात्मक चिंतन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। शिक्षक कक्षा में निष्कर्षों के पूर्व पुनर्मूल्यांकन को प्रोत्साहित कर सकता है, इवोल्यूशन जो है उसका लास्ट। शिक्षक कक्षा में सीखने की स्थिति की समीक्षा कर सकता है कि क्या जानना है, क्या अभी तक ज्ञात नहीं है, क्या सीखा गया है, इन सब चीज़ों के बारे में। शिक्षक सीखने के दौरान विचारात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष गतिविधियों का भी प्रयोग कर सकता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को सीखने के लिए उन्मुक्त वातावरण दे सकता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को सामूहिक कार्य और छोटे छोटे समूह में बांट के गतिविधियाँ बांट सकता है, जिससे कि बच्चा जल्दी सीखता है। और शिक्षक प्रश्न पूछकर उनके पीछे के तर्क को और साक्ष्यों को भी समझ सकता है, पूछ सकता है। निष्कर्ष आता है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभव का अनुभव उपयोग करते हैं और नई परिस्थितियों और समस्याओं से निपटने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जीवन के कई अनुभव हमें सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जब हमें सीखने को मिलता है। सीखना चिंतन प्रक्रिया से बढ़कर है। कुछ सीखने में हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल होता है। लोगों के सीखने के तरीके को समझने के लिए कई तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। इन सिद्धांतों को विकास शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण के कारण तीन भागों में बांटा गया है, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। लेसन नंबर 1 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट में हमने ये लेसन कंप्लीट